ब्रजकास्ट न्यूज से मैं रविकांत आज बात करने वाला हूँ शब्दों की मर्यादा पर। जिस तरह से सोशल साइटों पे या किसी भी जगह पे जो शब्दों का उपयोग हो रहा है, गाली गलौज, और इतनी आसानी से दी जा रही है जितनी पहले नहीं दी जाती थी। शायद हमारी उम्र कम थी तो लोगों को सिखाया जाता था, समाज में, परिवार में या जहां भी लोग रहते थे तो बड़ों को एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे और बड़े भी एक सम्मान की दृष्टि से बच्चों को देखते थे कि वो हमारा अनुसरण करेगा। पर अब ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज कहीं ना कहीं एक लोगों में जिस तरह से 2BHK में या हम दो हमारे दो में जिस तरह से लिपटी व्यवस्था के साथ लोग एक दूसरे को जानते तो हैं कि वो कौन है क्या है, पर उनके सामने हिचकिचाहट बोली में नहीं रहना चाहिए। पर फिर भी शब्दों में जिस तरह से आम बोलचाल में भी गाली इतनी आसानी तरह से दी जा रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिस तरह सोशल साइटों ने आकर इसका स्वभाव और बढ़ा दिया कि कोई भी किसी भी दायित्व में कोई भी बड़ा आदमी हो और उसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, पहले मनमोहन सिंह जी हो या अभी नरेंद्र मोदी जी हो, जब इन लोगों तक इतनी आसानी से इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी, कांग्रेस या और भी लोकल पार्टी के कोई भी हो, या कोई बड़ा पत्रकार है उसको गलियां रहे हैं, वो उसकी टीम, इसकी टीम, मतलब इतनी आसानी से कॉमेंट बॉक्स में देखी जा सकती है, ट्विटर हो, फेसबुक हो या और भी कोई अदर सोशल साइट हो, उस पर इस पर रोक तो कोई लगा नहीं सकता है। मतलब किस तरह का रोक? जब तक हम खुद में इतनी जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक ये रोक नहीं लग सकती है। और कहीं ना कहीं इसके प्रति अगर समाज में इस तरह का माहौल बन रहा है या तो इसके प्रति बड़े भी जिम्मेदार हैं और छोटे भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो अपने ऊपर एक काबू पाना ही नहीं, इसमें एक जो बचपन से सिखाया जाता है, जैसे हम लोग बच्चे में गाली कुछ समय पहले तक गाली देते थे, कोई एक टोकने वाले रहते थे कि हाँ ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, आज उसमें कमी आ गया है और आज एक दूसरे को लोग सुन नहीं रहे हैं कि क्या वो सही बात भी कोई कर रहा है, उसको बड़ा आसानी से उसको क्रिटिसाइज या जो भी कर दिया जाता है। मगर अब सवाल ये है कि इतनी आसानी से गालियां दी जा रही है, सोशल साइटों के कॉमेंट पे पढ़ सकते हैं, सोशल साइटों पे किसी भी पोस्ट हो रहा है उस पर इतनी, मतलब कि आप समझ नहीं सकते हैं कौन किस दायित्व में है, कौन क्या काम कर रहा है और कौन क्या जिम्मेदारी पे है। इसकी थोड़ी सी मर्यादा रहनी चाहिए, वो अब नहीं हो पा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम, आप और तकरीबन सुनने वाला और कहने वाला तो दोषी है ही, सुनने वाला भी उसके प्रति अगर सजग हो और एक अच्छा माहौल बनाए तो आचार व्यवहार में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन ला सकते हैं। और फिर उसमें जैसे लाना है सुधार की बातें करना है तो उसको बचपन से ही नहीं, जैसे वो क्लास जाता है पढ़ने कॉलेज वॉलेज में और ये फलता फूलता है, आसानी से गाली गलौज की लैंग्वेज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स जो भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के दूल्हे, हम गाली नहीं देते होंगे यार, मगर उसकी एक जगह होती है, उसके एक लोग होते हैं, आगे पीछे कौन है, घर परिवार, ये सब अब नहीं देखा जा रहा है। और कॉलेज में स्टूडेंट के साथ तो थोड़ा बहुत ही हम भी करते हैं इस पे कोई, मगर जगह देख के, समय देख के, और ये होना ही चाहिए। अब जैसे कुछ घर परिवार में नाते रिश्तेदारी है तो गालियां चलती है, वो एक शोभा का विषय है, पर ऐसे आम जगहों पे और सोशल साइटों पे बड़ों से बड़ों किसी को एकदम धज्जी उड़ा दी, अपने आप का सेठ नवाब बन गए गाली देकर, आज ये बनता जा रहा है। तो आज फिलहाल यही कहना चाहते थे और भी इस पे हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। द जगकास्ट न्यूज से मैं रविकांत, कैमरामैन निधि के साथ, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।